क्या दिक्कत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को या के छात्रों को या मुस्लिम समाज को, क्यों ऐसा एक फ्रेम कर दिया गया है कि मुसलमान है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा? देखिए, मुसलमान, एक बात अगर हम पहले से स्टार्ट करें कि मुसलमान किसको वोट करते हैं, मुसलमान ने मुसलमान को तो वोट नहीं किया। जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू, तो कौन कैंडिडेट होते हैं? हमने तो हमेशा गैर मुसलमानों को वोट किया है और हमने उन पर भरोसा किया है, हमेशा हमने किया है। तो सिर्फ अगर आप इसको रिलीजन बेस्ड करें तो वो गलत बात होगी। हमें किसी हिंदू भाई से परेशानी नहीं है, किसी मज़हब से परेशानी नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं RSS और BJP, हमें दिक्कत उससे है। 1920 में हमारा इदारा यूनिवर्सिटी की शक्ल में आया और 2014 तक 94 साल हो चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी को, आज तक कभी भी कम्युनल इंस्टिगेटेड वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से आए दिन जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली JNU और AMU, लगातार टारगेट किया जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को खाना नहीं दिया जाता, कि यहाँ के स्टूडेंट को हरेस किया जाता है। जबकि आप जाएँ, हमारे जो हिंदू भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में, आप जाएँ उनसे बात करें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इवन अगर ऐसी चीज़ हमारे बीच में होती तो हमारी जो यूनियन है उसके दो मेंबर, एक निशांत भरद्वाज, एक गौतम, हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की मिसाल पेश कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे। AMU के छात्र संघ अध्यक्ष सलमान को कौन सा नेता पसंद है इस देश में जो आपको लगता है कि देश को आगे ले जा सकता है? देखिए, कौन सा नेता पसंद है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन हिंदुस्तान को आज के दौर में जो ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, वो है अपने संविधान को बचाने की। और जो भी नेता, कोई भी नेता हो, किसी भी मज़हब का हो, जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाएगा, सलमान इम्तियाज़ उसके साथ खड़ा है। जो भी नेता जो हेट्रेड फीलिंग अमंग द रिलीजन्स क्रिएट की जा रही है, जो नेता उसको रोकेगा, सलमान इम्तियाज़ उसके साथ है। सलमान इम्तियाज़ उसके साथ है जो माइनॉरिटीज़ के हक और हकूक़ की बात करेगा। सलमान इम्तियाज़ उस नेता के साथ है जो हिंदुस्तान की मिसाल है, मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजन, सलमान इम्तियाज़ उसके साथ है। दी लल्लन टॉप, मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।